पर कुछ लोग हैं जो इससे काफ़ी ऑफेंडेड हो जाते हैं। दो तरीके के लोग हैं, एक हैं जो भगवान को बनाते हैं, पूजा करते हैं, ऑफेंडेड हो जाते हैं फिर अगर आप उन्हें बड़ा गुस्सा आता है जब आप उनकी क्रिएशन के अगेंस्ट कुछ बोलते हो। और दूसरे ऐसे हैं जो भगवान को बनाना नहीं चाहते लेकिन ऑफेंडेड हो जाते हैं अगर आप कुछ बना देते हो या उनकी इमेजिनेशन के बारे में कुछ बोल देते देखिए हो। आपकी मेरे पास बहुत बार हुआ है, लोग आए हैं जिन्होंने मूर्ति पूजा का बड़ा विरोध किया है, कह रहे मूर्ति पूजा तो एकदम बेकार की बात है, ऐसा है वैसा है। खास तौर पे मुस्लिम वर्ग से लोग आए हैं मुझसे बात करने के लिए। लिहाजा वो इस चीज पे एतराज करते हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने देखा कि अगर कोई लिंग को चूम चाट रहा है या योनि के ऊपर दूध डालकर उसके ऊपर भंगड़े डाल रहा है या गधे के जो है ना वो या गाय को जो है चूम चाट रहा है, तो उनके ध्यान में ये चीज आती है कि चूंकि हम इनकी पूजा और इनको भगवान और देवता मानते हैं, लिहाजा मुसलमान भी अगर किसी को चूम चाट रहा है या किसी को प्यार एहतराम कर रहा है तो लिहाजा इसका मतलब भी पूजा होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आपने सुन लिया है जनाब ध्रुव राठी साहब को और आचार्य जी की गुफ्तगू को। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आचार्य जी ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह हिंदू मूर्ति की पूजा करते हैं उसी तरह मुसलमान भी एक डायरेक्शन में जाकर काबे की पूजा करते हैं। आइए, इसकी हकीकत क्या है, उसकी सच्चाई क्या है? क्या मुसलमान काबे की पूजा करते हैं? अगर नहीं पूजा करते हैं तो वो काबे के गिलाफ को और उसके पत्थरों को चूमते क्यों हैं? इसका पूरा लॉजिकल जवाब दिया है जनाब मुफ्ती यासिन नदीम अलवाजदी साहब ने और बहुत ही इंटरेस्टिंग गुफ्तगू की है जनाब आमिर हक साहब ने। आइए, इन दोनों की गुफ्तगू से हम समझते हैं कि इसकी हकीकत क्या है और सच्चाई क्या है। पर कुछ लोग हैं जो इससे काफी ऑफेंडेड हो जाते हैं। दो तरीके के लोग हैं, एक हैं जो भगवान को बनाते हैं, पूजा करते हैं, ऑफेंडेड हो जाते हैं फिर अगर आप उन्हें बड़ा गुस्सा आता है जब आप उनकी क्रिएशन के अगेंस्ट कुछ बोलते हो। और दूसरे ऐसे हैं जो भगवान को बनाना नहीं चाहते लेकिन ऑफेंडेड हो जाते हैं अगर आप कुछ बना देते हो या उनकी इमेजिनेशन के बारे में कुछ बोल देते देखिए हो। आपकी मेरे पास बहुत बार हुआ है, लोग आए हैं जिन्होंने मूर्ति पूजा का बड़ा विरोध किया है, कह रहे मूर्ति पूजा तो एकदम बेकार की बात है, ऐसा है वैसा है। खास तौर पे मुस्लिम वर्ग से लोग आए हैं मुझसे बात करने के लिए, सद्भावना में ही बातचीत, बोले मूर्ति पूजा एकदम गलत होती है। मूर्ति जो है वो एक सफल प्रयोग रहा है, मूर्ति अमूर्त तक जाने का एक अच्छा साधन रही है। और जब मूर्ति पूजा की जाती है तो उसमें कभी नहीं कह दिया जाता कि मूर्ति सत्य है, उसमें यही कहा जाता है कि मूर्ति के माध्यम से मैं सत्य में प्रवेश करूंगा, साकार के माध्यम से मैं निराकार में प्रवेश करूंगा। तो माने इंसान की विवशता रहेगी हमेशा कि उसे मूर्त का इस्तेमाल करना पड़ेगा, किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी इमेजिन तरीके करना से, पड़ेगा, किसी ना चाहे किसी मूर्ति के फॉर्म में हो, चाहे वर्ड के बोल कर, फॉर्म में, वर्ड के वर्ड के फॉर्म में फॉर्म में हो। हो, चाहे ये हो कि मैं एक दिशा को मुंह करके पूजा करता हूं, वो भी तो मूर्ति, मूर्ति माने बहुत एक समथिंग दैट इज फिजिकल। हाँ, आप एक फिजिकल डायरेक्शन में मुंह करके पूजा कर रहे हो, ये बात भी तो मूर्ति की ही हो गई ना। सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम जी भाई। जी मुफ्ती साहब, मैं मुसलमान हूँ। मेरा आपसे एक सवाल है। आपने एक हिंदू भाई से बात की थी कुछ अरसा पहले, तो उन्होंने कहा था कि आप काबतुल्ला की पूजा क्यों करते हैं। तो आपने कहा था कि सिर्फ डायरेक्शन हमारा मकसद है, हालांकि काबतुल्ला की पूजा करना हमारा मकसद नहीं है। तो ये वीडियो मैंने अपने स्टेटस पर लगाई तो काफी दोस्तों ने ये सवाल पूछा कि अगर काबे की पूजा नहीं करते तो फिर काबे की इतनी इज्जत क्यों है, उसके मतलब गिलाफ को चूमा जा रहा होता है, काबे को चूमा जा रहा होता है और हिजरे अस्वद इज्जत को चूमा करना, जा रहा इज्जत करने का होता है मतलब उसको। पूजा करना तो नहीं होता ना। इज्जत हम अपने वालदेन की करते हैं, वालदेन के एहतराम में हम उनकी पेशानी का बोसा लेते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम अपने वालदेन की इबादत कर रहे हैं। अल्लाह ताला की तरफ जो चीज मंसूब हो जाती है वो चीज काबिल एहतराम होती है, क्योंकि अल्लाह ताला से ज्यादा इज्जत किसी की नहीं है, उससे ज्यादा एहतराम किसी का नहीं है। वो इज्जत देने वाला भी है और सबसे ज्यादा मुआज्जज भी है। तो जो चीज उसकी है, जिस चीज का इंतसाब उसकी तरफ हो गया, तो फिर उसका एहतराम भी उसी दर्जे होगा। इसीलिए इन चीजों को अल्लाह नहीं कहा जाता, इनको शाइरुल्लाह कहा जाता है। काबा अल्लाह नहीं है, काबा माबूद नहीं है, काबा शाइरुल्लाह है, में से है, अल्लाह का के शियारों में से एक शियार है। और जितने भी शाइर हैं उनका एहतराम होता है। क्या हम मस्जिद का एहतराम नहीं करते? मस्जिद तो मस्जिद पर के शियार ऊपर कोई एतराज नहीं करते हिंदू हजरात के, आप मस्जिद की पूजा क्यों कर रहे हो? हम तो एहतराम मस्जिद का भी करते हैं। नहीं है, शियार का क्या मतलब होता है? ये शियार को आप कह लें निशानियों में सिंबल्स से एक निशानी, सिंबल्स सिंबल्स कह कह लें, लें। हाँ सिंबल्स कह लें, निशानी कह लें। तो ये अल्लाह ताला की निशानियों में से जितनी मसाजिद हैं, मस्जिदों के मीनार हैं, ये सारे के सारे शियार हैं अल्लाह ताला के। ये सब अल्लाह की निशानियां हैं। मस्जिद देख के पता चलता है कि यहाँ अल्लाह का नाम लिया जाता है।
अच्छा ये असल में एनोनिमस भाई, हिंदू जो दोस्त हैं हमारे, उनको असल में चूंकि तौहीद और शिरक के कॉन्सेप्ट की उसूल नहीं पता, बेसिक्स नहीं पता होती, लिहाजा वो इस चीज पे एतराज करते हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने देखा कि अगर कोई लिंग को चूम चाट रहा है या यूनि के ऊपर दूध डालकर उसके ऊपर भंगड़े डाल रहा है या गधे के जो है ना वो या गाय को जो है चूम चाट रहा है, तो उनके ध्यान में ये चीज आती है कि चूंकि हम इनकी पूजा और इनको भगवान और देवता मानते हैं, लिहाजा मुसलमान भी अगर किसी को चूम चाट रहा है या किसी को प्यार एहतराम कर रहा है तो लिहाजा इसका मतलब भी पूजा होगी। भाई इंसान बिल्ली के बच्चों को भी प्यार करते हैं, मैंने देखा एक बंदे ने परिंदा पाला हुआ था वो उससे भी प्यार कर रहा है। मोहब्बत का इजहार और है, पूजा पाठ और है। जो चीज बड़ी सही मानों के अंदर इसकी इसको दर्शा सकती है या इसको एक्सप्रेस कर सकती है वो है सजदा। सजदा एक्सट्रीम वो इबादत का पोस्टर था जिसको अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया कि अल्लाह के अलावा ये किसी को नहीं हो सकता। तो इसके अलावा आपके जहन के अंदर किसी के सामने मोहब्बत करना, किसी से चाहत का इजहार करना, ये डिपेंड करता है कि आप उसकी पूजा कर रहे हैं या आप उसका अदब और एहतराम करते हैं या आप उसका तकद्दस करते हैं। सिंपल, इसमें फर्क इस तरह भी किया जा सकता है कि जितने भी हिंदू हजरात चीजों को चूमते चाटते हैं वो न सिर्फ ये कि उन चीजों का एहतराम करते हैं बल्कि उनसे मांगते भी हैं। अच्छा, मुसलमान अगर काबे का एहतराम कर रहा है और उसके पर्दे को चूम रहा है तो उसके पर्दे या काबे से कभी नहीं मांगेगा, मांगेगा वो अल्लाह ही से। इसका मतलब ये है कि काबे को चूमना ये उसका एहतराम में है, उसकी इबादत में नहीं है। सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने ना इसका एक बड़ा प्यारा जवाब तफसीर सनाई के अंदर भी लिखा है कि जहां ये इतराज किया जाता है गैर मुस्लिमों की तरफ से पूजा, वो कहते हैं मुसलमानों की इबादत है ना नमाज, सलात जिसे कहते हैं, पूरी की पूरी पढ़ जाओ, फिक्स उसकी किताब मिलती है, ठीक है ना, बुक्स तो पीडीएफ में मिल जाएगी, किसी एक जगह पर भी ना हजरे अस्वद, ना खाना काबा का पर्दा, ना खुद खाना काबा, इनका नाम ही नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, किसी जगह पर भी ना इनको पुकारा गया है ना इनसे मांगा गया है, तो शिरक कहां से हुआ? फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, इस घर के रब की इबादत होगी। बहुत बेहतर है, ठीक है जी एनोनिमस साहब, जज़ाकुमुल्लाह। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी कि मुसलमान काबे की पूजा नहीं करते हैं बल्कि उनकी इज्जत और एहतराम करते हैं। उसकी वजह यह है कि ये चीज़ें अल्लाह से मंसूब हैं, अल्लाह की तरफ मंसूब की गई हैं, इसलिए जितना अल्लाह मुअज़्ज़ज़ है उसी तरह उनकी तरफ मंसूब चीज़ें भी मुअज़्ज़ज़ हुआ करती हैं, उनका एहतराम किया जाता है। इस वीडियो को आप दूसरों तक शेयर करें, ख़ास तौर से हिंदू भाइयों को शेयर करें ताकि उन्हें ये बातें समझ में आ सकें।